हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जेमिनी असेंडेंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मून फिफ्थ हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, या यूं कहना चाहिए कि मिथुन लगन में चंद्रमा अगर पांचवें भाव में बैठ जाए आपके बर्थ चार्ट में या लगन चार्ट में, तो हमें किस तरह से फल देंगे। देखिए दोस्तों, मून जो है वो किसी भी इंसान का माइंड है या उसकी इमोशन है या उसके सेंटीमेंट्स हैं या इमेजिनेशन है, और मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एज पर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में इसे प्लैनेट ही बोलते हैं। मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड दिस इज नियरेस्ट टू अर्थ। तो मून जो है हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन मून बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट है क्योंकि इसका संबंध हमारी फीलिंग से है, इमोशन से है, माइंड से है। जैसे हमारा माइंड जो है वो हर पल हर क्षण चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स चेंज होते रहते हैं, तो यही फल हमें मून ही देता है। मून का ही ये इन्फ्लुएंस है। और मिथुन लगन में मून एक मारक प्लैनेट है, मतलब नेगेटिव प्लैनेट है, क्योंकि लगन से इसकी एनिमिटी है। और दूसरा घर भी मारक घर ही माना जाता है, और लेकिन दूसरे घर का संबंध वेल्थ से और हमारे परिवार से है, पेरेंटल फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, जितने भी हमारी फैमिली के कुटुंब के लोग हैं उसका संबंध इस चार्ट में मून से है। और दूसरा मून का संबंध फैमिली के एसेट से है, वैल्यू से है, लीगेसी से है, लीनियज से है। और मून का संबंध आपकी एक स्पीच पैटर्न से और फूड हैबिट से, अर्ली चाइल्डहुड से। मून का संबंध माँ से भी है, मून का संबंध एजुकेशन से भी है, मून स्त्रियों का कारक है या फीमेल का कारक है। और मून जो है बहुत ही विवरिंग एंड बहुत ही रिसेप्टिव टाइप का प्लैनेट है। मून के ऊपर कोई भी प्लैनेट आकर बैठ जाए, उसके साथ बैठ जाए, तो उसे इम्पैक्ट कर देता है। यानी कि जैसे आप यूं मानो कि हमारे साथ हम अकेले बैठे हुए हैं तो हम एक अपनी दुनिया में हैं। हमारे साथ अगर और कोई आके बैठ जाए तो एकदम एनवायरमेंट ही चेंज हो जाएगा, हमारा माइंड ही चेंज हो जाएगा और उसका इन्फ्लुएंस आने लगेगा। उसकी वाइब्रेशंस जो है हमारे वाइब्रेशंस के साथ या तो सिंक करेंगी या रिटेलिएट करेंगी या उल्टी पड़ेंगी। तो यही दशा मून की है। मून के साथ अगर पॉजिटिव प्लैनेट आ जाए तो उसे मोटिवेट कर देता है, नेगेटिव प्लैनेट आ जाए तो उसे नेगेटिव कर देता है, डिप्रेस कर देता है, स्ट्रेस दे देता है उसे। अब नेगेटिव प्लैनेट्स ये कौन से हैं जो मून के साथ बैठ जाए तो उसे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे देते हैं? ये सबसे ज्यादा है केतु। केतु इज द डेडली प्लैनेट। इफ इट इज विद मून कई तरह की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह की दे देगा। राहु बैठ जाए तो ऑब्सेशन दे देगा, डिप्रेशन भी देगा, ओसीडी टाइप प्रॉब्लम दे देगा। और अगर शनि बैठ जाए तो इनसिक्योरिटी दे देगा, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन दे देगा, जिम्मेदारी का बोझ, जो कि वो मून जो है लेने के काबिल नहीं है, वो वाला बोझ जो है शनि देव दे देते हैं। तो ये तीन प्लैनेट्स तो खराब ही हैं अगर मून के साथ आ जाए। कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स भी हैं। गुरु का योग बहुत अच्छा है, मंगल का अच्छा है, और यानी कि सूर्य का भी ठीक है। सूर्य भी मैलेफिक एनर्जी है लेकिन ठीक है, मित्र प्लैनेट है, लेकिन मंगल और गुरु ऑस्पिशियस है और ये योग भी बनाते हैं।
कोई धन योग बनाता है, कोई गज केसरी योग बनाता है गुरु, लक्ष्मी योग मंगल बना देता है, तो ये योग भी बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुक्र भी मून का एनिमी है, इट इज नॉट ए फ्रेंडली प्लैनेट, लेकिन शुक्र की जो ऑर्डिनरी राशि है दो नंबर, उसमें मून एग्जॉल्ट कर जाते हैं। और अब यहां पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है जहां पर मून की प्लेसमेंट है। अब हम अपने टॉपिक पे आ गए, पांचवा घर सात नंबर राशि, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है। अब देखिए तुला राशि जो है ना शुक्र की बहुत ही पावरफुल साइन है, और यहां पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो एक तो मिलता है मंगल का नक्षत्र जिसके दो चरण है, तीसरा और चौथा यानी चित्रा नक्षत्र, और चार चरण मिलते हैं राहु के स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है और बहुत ही फुल ऑफ ऑब्सेशन है, और तीसरा जो नक्षत्र है वो विशाखा है, जुपिटर का है, उसके यहां पर तीन चरण मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो सात नंबर राशि ना बेसिकली ये विवाह की राशि है या बिजनेस की राशि है, लेकिन पांचवा घर तो आपको पता ही है, पांचवें घर का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बच्चों का घर है, चाइल्ड बर्थ का घर है, स्पेकुलेटिव गेन्स का है, सडन गेन्स का है, बड़े गेन्स का है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का है, पिछले जन्मों के अच्छे फलों को भोगने का है, और पांचवा घर जो है हमारी एजुकेशन में ग्रेजुएशन का है, डिग्री का है। और पांचवें घर से हम एक क्रिएटिविटी देखते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन देखते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बात करते हुए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ टू यू, ये सातवां घर, ये पांचवा घर ही है। और इस घर का संबंध एक्टिंग से भी है, फिल्मों से भी है, क्रिएटिव आर्ट से भी है, और इस घर का संबंध हमारे उन गेन से है जो हमारे नॉर्मल गेन्स नहीं है, यानी हमारी सैलरी या हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में जो नॉर्मल गेन्स हैं उसका, इसका संबंध उनसे नहीं है, इसका संबंध है हमारे बड़े गेन्स से जो अचानक हमें मिलते हैं, तो बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर वेल्थ के घर का लॉर्ड पांचवें घर में आ जाए तो दिस इज ए वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट फॉर मून। तो ये इंसान की जो फैमिली है, फैमिली के घर का लॉर्ड है ना चंद्र, एक ऑस्पिशियस ट्राइन हाउस में आ गया, तो ये फैमिली इंसान के रिच होगी, प्रोस्पेरस होगी। हाँ ये अलग बात है कि हम वो नक्षत्र के लॉर्ड्स भी देखेंगे वो कहां बैठे हुए हैं, अगर वो खराब बैठे हुए हैं तो उनमें डेफिशिएंसी नेचुरली आ जाएगी हमारी प्रेडिक्शंस में। उसको अगर हम देखते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो जिस नक्षत्र में चंद्र या चंद्रमा बैठे हुए हैं वो नक्षत्र का लॉर्ड कहीं अच्छा बैठा हुआ है, तो ये इंसान जो है खुद भी और इसकी फैमिली भी रिच होगी, और ये लोग बिजनेस फैमिली होगी। अगर ये नौकरी में होंगे तो इनके जो इनकम होगी वो एक बिजनेस की तरह होगी, बड़ी इनकम होगी। और इस नेटिव को फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए सात नंबर शुक्र की राशि है जो कि एनिमी साइन है चंद्र का, तो यहां इंसान अपने बच्चों को लेके बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा, ऑब्सेशन रहेगा, और जहां ऑब्सेशन है वहां डिसअपॉइंटमेंट्स भी है, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी रहेंगी। उसका माइंड और इमोशन यानी कि दिल और दिमाग दोनों का दोनों उसके बच्चों में रहेगा, इस नेटिव का जिसका आप चार्ट देख रहे हो। और अगर शुक्र की प्लेसमेंट कहीं सेकंड हाउस में है या शुक्र की प्लेसमेंट ग्यारहवें भाव में है या एग्जॉल्टेड साइन में है, तो ये इंसान पहले बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत पैसा कमाएगा,
अगर शुक्रदेव 12वें घर में बैठ गए या जिस नक्षत्र में या चंद्रमा बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में बैठ जाए तो ये इंसान अपनी एजुकेशन लेने फॉरेन लैंड जाएगा। और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो ये कम से कम किसी दूसरी स्टेट, दूसरे कल्चर में जाएगा अपने ही देश के। और इस नेटिव का जो खर्चा है वो बच्चों पे ज्यादा रहेगा। अब बच्चों की एजुकेशन पे रहता है या बच्चों की मैरिज पे रहता है या बच्चों की कुछ और एक्टिविटीज पे रहता है, बच्चों को बिजनेस एस्टेब्लिश करने में रहता है, वो आपको बताएगा शुक्र, शुक्र कहां बैठा हुआ है। बच्चों की बीमारी पे रहता है, कई योग बनते हैं। तो अगर शुक्र किसी खराब घर में बैठा है, 8वें बैठ गया, तो फिर ये बच्चों की उलझनों में, बच्चों की बीमारी में पैसा लग सकता है। अगर ये 12वें घर में चला गया शुक्र, तो बच्चों की एजुकेशन जो विदेश में होगी उस पर काफी पैसा लगेगा। और अगर शुक्रदेव 7वें घर में बैठ गए तो बच्चों की शादी में पैसा अच्छा लगेगा। और शुक्रदेव अगर किसी 9th हाउस में बैठ गए तो ट्रेवल्स में, बच्चों की ट्रेवल्स में ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन यहां एक चीज और हो जाएगी कि जब बच्चे बड़े होंगे वो आपके लिए भाग्यशाली हो जाएंगे, या बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद आपका जो भाग्य है वो और ज्यादा आउटशाइन करेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर शुक्र जो इस घर का मालिक है वो अगर खराब बैठा हो तो वो ये सारी चीजें नहीं होती कि आपका भाग्य शाइन करेगा, बल्कि आपको बच्चों की उलझनों में अपने पैसे का खर्चा करना पड़ेगा, परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और यहां पर थोड़ा एक ओसीडी टाइप प्रॉब्लम रहती है। हर आदमी ऑब्सेस्ड बहुत रहता है, 7 नंबर राशि ऑब्सेशन की है। आप खर्चा बहुत करने वाले इंसान होंगे, और खर्चा किस पे होगा? बच्चों पे होगा, लग्जरीज पे होगा, गाड़ियों पे होगा, क्योंकि शुक्र से हम गाड़ियां देखते हैं, ट्रैवलिंग पे होगा, फॉरेन लैंड की ट्रैवल्स पे होगा। तो खर्चा यहाँ पर इंसान का बहुत होगा, लेकिन फिर भी यहाँ एक रिचनेस का योग बनता है। दूसरी चीज ये है कि अगर शुक्रदेव 11वें घर में आ जाए, दूसरे घर में आ जाए, भाग्य में आ जाए, एग्जॉल्ट होके बैठ जाए, या नीच के नहीं होने चाहिए, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो यहां पर आदमी स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा सकता है। इसमें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट और आप चेक कर लें जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिस नक्षत्र में आदमी विदेश, आदमी स्टॉक मार्केट में या स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा अच्छा कमा सकता है। और यहां इंसान की एजुकेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, फोकस में दिक्कत रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। आदमी या क्लेवर होगा, इंटेलिजेंट होगा, तेज होगा, डिप्लोमेटिक होगा, उसका माइंड शार्प होगा, लेकिन एजुकेशन में फोकस करने में दिक्कत आएगी, अपनी एजुकेशन में, ग्रेजुएशन लेवल में। लेकिन फिर भी इतना बुरा योग नहीं है, एजुकेशन हो जाएगी। अगर शुक्रदेव अच्छे बैठे हुए तो एजुकेशन हो जाएगी। यहां चंद्रमा के आने से इस इंसान की एक पुत्री का जन्म हो सकता है, लेकिन उसकी पुत्री काफी सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि उसमें मून की एनर्जीज होंगी। मून इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। जहां मून बैठ जाए, लगन में बैठ जाए तो नेटिव को सुंदर बना देता है, 5वें घर में बैठ जाए तो बच्चों को सुंदर बना देता है, 7वें घर में बैठ जाए तो वाइफ को ब्यूटीफुल बना देता है, सुंदर बना देता है। शुक्र और चंद्र, ये दोनों प्लैनेट्स का संबंध अपीयरेंस से है, ब्यूटी से है। शुक्र में थोड़ा सा सेंसुअलिटी ज्यादा है, चंद्र में थोड़ा सा ब्यूटी ज्यादा है, शालीनता ज्यादा है। शुक्र में थोड़ा सेंसुअलिटी और क्रिएटिविटी ज्यादा है, तो ये फर्क है दोनों में। तो यहां आपका बच्चा, बेटी का योग बनेगा,
हाँ उसमें नवमांश देखना ज़रूरी है और स्पाउस भी देखना ज़रूरी है, स्पाउस का चार्ट भी देखना ज़रूरी है, क्या ये बेटी का फर्म योग है या यहाँ पर वेरिएशंस हैं। अगर यहाँ पर सुपोज चंद्र गुरु के ही नक्षत्र में बैठ जाए, राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, तो यहाँ 50-50 हो जाएगा। अब नक्षत्र तो सारे मेल हैं, यहाँ मंगल राहु और गुरु तीनों मेल नक्षत्र हैं, तो यहाँ पर चंद्र का प्रभाव ज्यादा होने से हम बेटी कह रहे हैं, क्योंकि चंद्र यहां पर खुद आके बैठ गया। लेकिन स्पाउस का चार्ट देख के और नवमांश देख के आपको ज्यादा पता लग जाएगा कि ये बेटे का योग है या बेटी का है। नवमांश में ही अगर सपोज पांचवें घर में जुपिटर आ जाए, एग्जॉल्टेड आ जाए, यू नेवर नो, या कोई मेल प्लैनेट पावरफुल आ जाए, ऊंच का मंगल आ जाए, तो बेटे का योग बना देगा। और दोस्तों पांचवें घर से हम देखते हैं क्रिएटिव आर्ट, तो ये आदमी क्रिएटिव होगा काफी, कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट इसमें होगी जरूर। और चित्र नक्षत्र भी इस तरह का है, क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। और यहां बैठा हुआ चंद्र देखेगा ग्यारहवें घर, तो ग्यारहवां घर हमारी इनकम का है, गेंस का है, लाभ का है, नेटवर्क सर्कल का है। अगर ग्यारहवां घर अफ्लिक्टेड नहीं है तो इंसान का नेटवर्क सर्कल लेडीज का ज्यादा होगा, फीमेल नेटवर्क सर्कल ज्यादा होगा और इंसान अट्रैक्टिव होगा, उसके साथ या उसको लोग जो है लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेटवर्क सर्कल अच्छा होगा, इंसान की इच्छाएं जो है लाइफ में पूरी होने की संभावना है इस प्लेसमेंट में। और गेंस के मामले में भी दिस इज ए लक्की पोजीशन, ग्यारहवें घर को देख के इंसान की इनकम में कोई कमी नहीं आएगी और एजुकेशन अच्छी होगी इंसान की। और ग्यारहवें घर में बेसिकली एक नंबर राशि है मंगल की, जो कि चंद्र का मित्र है, उसमें आप ग्यारहवें घर के बेनिफिट्स देखने के लिए एक बार मंगल को जरूर देखना। मंगल भी वेल प्लेस्ड है और चंद्र की दृष्टि है, तो दिस इज अमेजिंग एस्पेक्ट, दृष्टि सातवीं दृष्टि होती है चंद्र की, तो यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी। थोड़ा बहुत हेल्थ में थोड़ी छोटी मोटी यहाँ पर बीमारी रहती है, जुकाम है, नज़ला है, फ्लू है, सीजनल कोल्ड है, ये वाली चीज़ें यहाँ रहती हैं। और अगर यहाँ चंद्र में एफ्लिक्शन आ जाए तो फिर रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं, चंद्र के साथ शनि बैठ जाए खराब हो जाएंगे रिजल्ट्स, और केतु राहु जैसा प्लैनेट कोई बैठ जाए। अच्छा, इनकी दृष्टियाँ भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करती हैं, डेफिशिएंसी लाती हैं हमारी प्लेसमेंट में, वो भी आपने ध्यान देखना है। हाँ, अगर इस चंद्र के साथ जुपिटर बैठ जाए तो बहुत ही ऑस्पिशियस है। मंगल बैठ जाए, हालांकि मंगल यहाँ नेगेटिव प्लैनेट है इस चार्ट में, फिर भी चंद्र मंगल का योग तो अच्छा ही है, तो इंसान फॉरेन कंट्री के घर गेंस के घर का मालिक है, तो गेंस के घर का मालिक है पांचवें घर में आ गया, तो वो भी धन योग बना देगा। तो आपने इन सब चीजों को क्रॉस वेरिफिकेशन करके ही प्रिडिक्शंस को तैयार करना है। और आप 10 चार्ट्स देखोगे, 10 चार्ट्स के 10 चार्ट्स में आपको ये प्रिडिक्शंस अलग मिलेंगी, क्योंकि एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, डिग्री है, नक्षत्र है, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट है, डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट है, यहाँ 10 चीजें हैं जिनको आपने देखना है हर चार्ट में। अब देखिए, यहाँ पर अगर चंद्रदेव चित्र नक्षत्र में है तो मंगल की प्लेसमेंट आप जरूर देखो, अगर मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, एवरेज बैठा हुआ तो एवरेज मिलेंगे, अगर खराब बैठा हुआ है तो यहाँ पर कुछ खराब फल भी मिलेंगे। ऐसे ही अगर स्वाति नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है तो ऑब्सेशन ज़्यादा रहेगा, वेरिएशंस आपके माइंड में ज़्यादा रहेंगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन का योग बनाएगा। लेकिन अगर राहु बारहवें में बैठा हुआ है और या राहु चौथे में आ गया या राहु नौवें में आ गया, तो आपको विदेश की सेटलमेंट का या विदेश में एजुकेशन लेने का योग बना देगा। और स्वाति नक्षत्र के चारों चरण मिलते हैं। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर विशाखा, गुरुदेव का नक्षत्र है, तो इसमें भी
चंद्र का बैठना ऑस्पिशियस, यानी कि मंगल के चित्रा और विशाखा नक्षत्र में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते गुरु और मंगल ठीक बैठे हों। और राहु के नक्षत्र में बैठना चंद्र का थोड़ा सा हमें हमारे माइंड में स्ट्रेस देता है, हमारे माइंड में ऑब्सेशन देता है, हम कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाते और वेरिएशंस देता है और टेंशंस देता है। तो स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है बेसिकली, और राहु और चंद्र तो वैसे ही आपको पता ही है ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो इस तरीके से आपने इसको एनालाइज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पूरी समझ में आ गई होगी, एंड यू नाउ यू कैन रीड योर चार्ट इफ यू आर हैविंग द सेम प्लेसमेंट ऑफ मून इन योर चार्ट। Thank you very much for watching this video patiently, and if you want to consult us, you can just dial our number or send a WhatsApp message on my mobile number. We'll tell you the process, or else you can subscribe our channel if you are liking our videos. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Thank you very much once again. Goodbye.